का बी जो पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे चार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं या आपको पता ही होगा क्योंकि चालीस मार्क्स का पेपर रहता है उसमें चार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर वन में ए और बी ऐसे दो प्रकार होते हैं तो उसमें का क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट जो है वो आज हम पढ़ने वाले है तो बच्चों अच्छे से ध्यान दे के सुनना है कि उसमें क्या क्या और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी तक आपको आ, पेपर का फॉर्मेट पता है बाकी के अभी टीचर्स ने भी आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन और उनमें जो जो पॉइंट्स आते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी आपका हो चुका है और अभी होने वाला है तो इस प्रकार से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का बी पेपर uh, फॉर्मेट भी तक तो आप सबको पता है चालीस मार्क्स का पेपर रहता है जिसमें चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें दो टाइप सब क्वेश्चंस होते हैं जैसे ए और बी करके पांच पांच मार्क्स के तो यहाँ पे दस मार्क्स आपके हो जाते हैं उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू अभी ये क्यों ले रही जनरली आपको आ, ये होना चाहिए कि चार प्रकार के प्रश्न होते पर उसमें आ, सब पार्ट्स होते और क्वेश्चंस होते और मतलब आ, सब क्वेश्चंस दिए जाते कि ये लिखो नहीं तो वो लिखो ऐसे दो तीन प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो वैसे ही ए और बी ए जो है थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप आ, का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है फिर दो से लेके आपको थोड़ा थेरोटिकल मतलब दो लाइन वाले आंसर्स तीन चार लाइन वाले आंसर्स ऐसे आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे समझ में है उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है जो पंद्रह मार्क्स के लिए होता है जिसमें आपको छह या सात क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें कम से कम आपको पांच क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं मतलब लिखने होते जो आपको तीन तीन मार्क्स के लिए होते हैं और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है चौथा क्वेश्चन वो पांच मार्क्स के लिए होता है जिसमें दो या तीन क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई भी एक ही प्रश्न आपको लिखना होता है उसका उत्तर लिखना होता है प्रश्न नहीं लिख के आना है उसका उत्तर ही लिखना है और आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पासिंग अच्छे से उसमें मिले तो आपको पेपर फॉर्मेट सभी को पता है क्वेश्चंस पेपर आप लोग अभी फॉलो कर रहे होंगे प्रकार आपको सबको पता है तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट जिसमें हमें जो पांच पार्ट मुझे दिए गए हैं पार्ट छ से लेके पार्ट दस तक क्वेश्चन नंबर वन के बी में जो आपको एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे उसमें आपको एक लाइन में सेंटेंस लिखो वो एक वाक्य में जैसे उत्तर लिखना होता है वैसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विकल्पों चुनकर वैसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परिभाषा लिखो ऐसे प्रकार के जो एक-एक गुण वाले और दो-दो या एक-एक लाइन वाले जो क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं तो आज हम पांचों पाठों में से प्राणियों का वर्गीकरण पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी नवा पाठ है अपना सामाजिक स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन ऐसे सभी जो ये जो पांच के पांच पार्ट है उसमें के जो जो संभाव्य प्रश्न है मतलब अभी यही आएंगे ऐसे नहीं होता है पर इस प्रकार के या ए ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं तो आपको अगर तैयारी करनी है तो दो मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एक मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसीलिए ये सब तैयारी आप लोगों की हो रही है तो आप उस हिसाब से आप वही सही दिशा में अगर पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो सकते हो इसमें पूछा जाता है देखो अभी मैंने बताया कि एक एक मार्क्स के लिए क्या क्या पूछा जाता है तो परिभाषा लिखने के लिए पूछा जाता है उसके बाद असंगत शब्द पहचानो उसके बाद सिर्फ नाम लिखिए सही या गलत सह संबंध पहचानिए आकृति आकृति से कृति पहचानिए या गलत कृति या कुछ संदेश उससे मिल रहा है वो पूछा जाता है ऐसे सभी प्रश्नों का इसमें समावेश किया जाता है मतलब ये सब एक 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 के गुण के लिए एक एक मार्क्स के लिए के पूर्णांक के लिए ये सब क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें आपको परिभाषाएं लिखने आती है जैसे कि छठे पार्ट में से कौन सी परिभाषाएं आ सकती है तो उन मुद्दों के जरिए आप एक पेज पे भी उनको लिख के अगर तैयार रखोगे तो आपकी सब परिभाषाएं एक साथ तो याद हो जाएगी या एक साथ आपको ध्यान में आ जाएगी उसके बाद है असंगत शब्द पहचानो असंगत शब्द पहचानो मतलब आपको चार प्रकार के शब्द दिए रहते हैं उसमें से तीन शब्द जो होते हैं वो एक जैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है तो वैसा शब्द आपको लिखना होता है और वो असंगत क्यों है ऐसे भी कभी कभी पूछते हैं कि रीजन के साथ लिखो मतलब उसका कारण देना है कि ये, ये असंगत शब्द क्यों लिया है आपने तो उसका कारण भी आपको कभी कभी देना पड़ता है अगर अलग प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ असंगत शब्द पहचानो लिखा है तो सिर्फ शब्द ही लिखना है और कारण के साथ पूछा है तो कारण भी लिखना है प्रश्न इसीलिए अच्छे से आपको पढ़ने हैं पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ो उसको समझो और फिर उसका उत्तर लिखना है आप लोगों को ताकि आपको समझ में आए कि इसमें पूछा क्या है नहीं तो आप दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और आपने पन्ने भर का उत्तर लिख दिया है उसका पर उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पर उससे रिलेटेड आप दो तीन चार लाइन्स भी आप अच्छे से लिख रहे हो तो आपको वहां पे गुण मिलने की बहुत मतलब सौ टका उसमें गारंटी होती है तो इसीलिए आपको पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है उसका मीनिंग अच्छे से समझ के लेना है कि इसमें सच में पूछा क्या है जैसे प्राणियों का वर्ग, वर्गीकरण है पर वर्गीकरण किस प्राणी का पूछा गया है तो उसका जो पूरा वर्गीकरण आता है जिसमें हम लिखते हैं उसका पूरा जो वर्गीकरण में हम क्या क्या लिखते हैं कि वो कौन से फाइलम से है कौन से सब टॉपिक से है वो सब हम उसमें लिखते हैं बराबर तो ऐसे ही आपको इसकी तैयारी करनी है तो उसमें अगर हम पहले देखा जाए तो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके आ, मतलब समझने के लिए लिए है तो परिभाषाएं लिखो या आ, असंगत शब्द पहचानो नाम लिखिए सही गलत ये सब प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें से पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पांच मार्क्स के लिए रहते हैं। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आता है पांच दिए हैं तो पांच के पांच आपको लिखने ही होते हैं। तो परिभाषाएं लिखो जैसे कि अभी छठा पाठ अगर आप देखोगे छठा सातवां आठवां नौवां दसवां पाठ तो में से मैंने थोड़े बहुत परिभाषाएं लिखी है तो आपको सपोज अगर पूछा देह गुहा देह गुहा की परिभाषा लिखो तो आपको देखो शरीर भित्तिका और आंतरिक अवयव इन दोनों के बीच पाए जाने वाले रिक्त जगहों को हम क्या कहते हैं बॉडी कैविटी या देह गुहा उसे कहा जाता है तो आपको अगर परिभाषाएं लिखनी है तो आपके बुक में आपके पुस्तक में जैसी परिभाषा दी रहती है वैसी की वैसी आपको लिखनी होती है उसमें अपने शब्द नहीं ये करते क्योंकि परिभाषाएं साइंटिफिकली होती है और मतलब ऑल ओवर जो चलती है वही परिभाषा उसकी लिखनी होती है इसीलिए आपको बुक में जो जिस प्रकार की दी गई है उसी प्रकार की लिखने की आपको कोशिश करनी है तो देह गुहा मतलब क्या होता है परिभाषा लिखना मतलब उसकी व्याख्या लिखना होता है उसकी वो वो क्या चीज है है उसमें लिखना होता है. तो देह गुहा मतलब क्या होता है शरीर शरीर का का और आंतरिक मतलब पता है आप लोगों को ये तो आपका पढ़ के हो चुका है और उसका उत्तर कैसे लिखना है वही सिर्फ अपने को यहाँ पे लेना है तो शरीर भित्ती का मतलब अपना बॉडी का जो बाहरी आवरण होता है और आंतरिक अवयव अवयव आवयो और भित्ती का जैसे अपना घर होता है तो रूम के अंदर जो वॉल होती है उसको का कहते है हम और अंदर जो भी चीजें हम बनाते हैं फिर वो आंतरिक हो गए ऐसे समझ के चलो तो ये दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत जगह रहती है उसे हम कैविटी कहते हैं या उसी को हम देह गुहा कहा जाता है गुहा सभी को पता है किसको कहते हैं डेन जिसको कहते हैं इंग्लिश में तो उस कैविटी में मतलब कोई भी एनिमल वगैरह अपना घर बना के भी रहते हैं उसमें उसको भी गुहा कहते हैं पर देह गुहा मतलब क्या शरीर में जो ऐसे रिक्त जगह होती है उसे हमें हम देह गुहा कहते हैं पर उसका परिभाषा जो है शरीर वित्ती का और आंतरिक अवय इन दोनों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थानों को या रिक्त जगहों को हम क्या कहते हैं देह गुहा कहा जाता है उसके बाद है खंडी भवन खंडी भवन ऐसे छोटे छोटे जो टर्म्स है ना देह गुहा खंडी भवन जैव प्रौद्योगिकी प्रथम उपचार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सामाजिक आपदा किसे कहते हैं, साइबर अपराध किसे कहते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स है वो परिभाषाओं में आपको पूछे जाते हैं। तो दूसरा है खंडी भवन खंडी भवन मतलब क्या जिसमें विभाजित होता है यदि प्राणियों का शरीर छोटे छोटे समान भागों में विभाजित हुआ तो इस प्रकार की रचना को खंडी भवन कहा जाता है मतलब बिल्कुल छोटे 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 उसके पार्ट्स होते हैं वहां से वो अलग होता है फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहां से वो अलग किया जाता है मतलब खंडित तो उसको किया जाता है और इसी को हम खंडी भवन कहते हैं जिसे सेगमेंटेड बॉडी भी कहा जाता है तो ऐसे भी प्राणी जो होते है ये छठे पार्ट में से है खंडी भवन यदि प्राणियों का शरीर छोटे छोटे समान भागों में विभाजित हो तो इस प्रकार की शरीर रचना को हम खंडी भवन कहते हैं उसके उदाहरण भी आपको बुक में आपके पुस्तक में दिए गए हैं उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है उसकी परिभाषा कैसे लिखनी है आपको मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जुनू बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं अभी जो हम संकरित वान, संकरित वनस्पतिया संकरित प्राणी वो जो भी कुछ होता है वो सब जैव प्रौद्योगिकी से ही होता है जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या वो आपको इंटेंशनली पता होना चाहिए कि मानवीय लाभ की दृष्टि से मतलब हमारा जो फायदा हम देखते है कि इस चीज से हमें क्या होने वाला है क्या फायदा होने वाला है तो अपने लाभ के लिए मानवीय लाभ की दृष्टि दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से मतलब वो नेचुरली नहीं होता है निसर्गत नहीं, नहीं कृत्रिम पद्धति से मतलब क्या आर्टिफिशियली लैब में वगैरह बनाया जाता है साइंस लैब में पद्धति से जनु की बदलाव एवं संकर करने करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं तो परिभाषा आपको वैसे के वैसे अच्छे से लिखनी है तो शॉर्ट बट स्वीट होती है परिभाषाएं ज्यादा आ, नहीं होती है और टिप्पणी में भी अगर आपको पूछा जाए तो पहले परिभाषा ही लिखना है उसके बाद उदाहरण वगैरह सब देके उसको एक्सप्लेन करना है तो वो हो गया टिप्पणी का तो मतलब टिप्पणी लिखो की भी तैयारी आपको इसमें हो जाएगी उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो डीएनए का आ, पार्ट का हो चुका है डीएनए किसे कहते हैं वो सभी को पता है डीएनए का उपयोग कहाँ पे करते हैं वो भी पता है जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान फिंगर प्रिंटिंग फिंगर मतलब क्या उंगलिया इतना तो सभी को ध्यान में आज आता है कि फिंगर्स मतलब उंगली तो उंगलियों के निशान लेने की जो एक में वो ऐसी ये है मतलब व्यक्ति के डीएनए गठन के लिए या डीएनए अगर पता करना है तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है और इसी पद्धति को हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं कि नहीं सच में यही व्यक्ति वो है जिसका ए है। मतलब उसको मैच किया जाता है तो किस प्रकार से अपने उंगलियों के निशान लेके भी हम उसे मैच कर सकते हैं और उसी पद्धति को हम कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तो अगर नाम में ही अगर आप डिटेल क्लियर है तो आप वहां से ही अगर आपको डिटेल सेंटेंस नहीं ध्यान में आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख सकते हो पर इसीलिए कभी भी कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है डीएनए का अर्थ समझ में आना चाहिए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए और तभी आप परिभाषा उसकी अच्छे से लिख सकते हो तो जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान फिंगर प्रिंटिंग मतलब क्या उंगलियों के निशान लिए जाते हैं और उस निशानों की मदद से हम उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है और इसी पद्धति को डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है ऐसे ऐसे पूरे सेंटेंस में आपको परिभाषाएं लिखनी है उसके बाद है सामाजिक स्वास्थ्य ये तो हर एक पार्ट से मैंने एक एक दो दो पॉइंट्स लिए हैं तो ऐसे ही आप लोग भी उसको कलेक्ट कर सकते हो और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मतलब आप अगर ऐसे कलेक्टिंग क्वेश्चंस की अगर तैयारी करोगे तो आपका पार्ट अच्छे से तैयार हो सकता है और बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसका उत्तर लिख सकते हो और अच्छे गुणों से अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो साइंस टू सामाजिक स्वास्थ्य साम, समाज सभी को बताया कि एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य होता है मतलब अगर अभी देखो कोरोना का माहौल चल रहा है तो ये मतलब समाज में बढ़ने वाली जैसे एक दूसरे का कांटेक्ट अगर आता है तो वो बढ़ने वाली बीमारी है इसीलिए सब लोगों को लॉकडाउन करके घर में बैठने को ही बोला है क्यों ऐसे कहा गया है क्योंकि हमें सामाजिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना है अपने एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को उसका नुकसान न हो इसीलिए ये प्रक्रियाएं की गई है ये उपाय योजनाएं की गई है इसी को हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं मतलब हम सोचते हैं कि अरे मैं अकेला बीमार हूँ तो मेरे से थोड़ी दूसरे लोगों को कुछ होने वाला है पर ऐसे नहीं होता है अपने ऊपर समाज अपने ऊपर अप पहले अपनी फैमिली फैमिली के ऊपर पूरा समाज ऐसे निर्भर होते हैं क्योंकि हम कुछ न कुछ काम के लिए इसके लिए बाहर जाते ही है और उसी दरम्यान अगर किसी का किसी के साथ अगर संपर्क उस व्यक्ति का हो रहा है तो उस विकार का उस रोग का हम स्थानांतरण कर रहे हैं ट्रांस ट्रांस ए कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ जो संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है उसे ही हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं और समाज में अगर सब लोग अच्छे से निरोगी रहे तो सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा उसके बाद है साइबर अपराध ये तो सभी को पता है इसकी परिभाषा किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं है संगणक तथा साइबर क्राइम कहाँ से होते है? संगणक तथा इंटरनेट की सहायता से किए गए अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है जबकि संगणक चीज इसीलिए बनाई गई है ताकि उसका हम अच्छे से उपयोग अपने लाइफ में अपनी पढ़ाई के लिए अपने दैनंदिन जीवन के लिए कुछ न कुछ देश विदेश की माहिती पाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं पर कोई कोई जो लोग होते हैं जिनका अः जिन में विकृतियां होती है अच्छे लोग ऐसे काम नहीं करेंगे जिनमें विकृतियां होती है वही लोग इस प्रथा का मतलब इस संगणक का या इस इंस्ट्रूमेंट का गलत तरीके से उपयोग करते हैं जैसे मोबाइल है मोबाइल आपको क्यों दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको आपको जो भी दिक्कत है उसमें से आप सर्च करके लिख सको इसीलिए दिए जाते हैं। पर आप लोग क्या करते हो मतलब आप लोग करते हैं कि नहीं वो पता नहीं पर बच्चे लोग क्या करते हैं उसमें गेम डाउनलोड करते फिर वो खेलते रहते हैं नहीं तो यूट्यूब चैनल पे और कुछ ना कुछ देखते रहते जो की अपने पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है पर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही संगणक तथा इंटरनेट की सहायता से किए गए अपराध को हम साइबर अपराध कहते हैं उसके बाद है आपदा आपदा मतलब पर्यावरण में बहुधा कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होती है और उन्हें हम आपदा कहते हैं जैसे मतलब संकट हर एक के ऊपर समस्याएं आती है अभी कोरोना महामारी ये भी एक आपदाई है पर डिजेस्टर के अलग अलग प्रकार है जैसे नेचुरली डिजेस्टर होते हैं नैसर्गिक आपदाएं आती है मानव निर्मित आपदाएं आती है भू निर्मित आपदाएं आती है मतलब भूस्खलन होना सुनामी आना ये सब आपदाएं है और पर्यावरण में बहुधा कुछ भयंकर तो ये सब धोखादायक घटनाएं घटित होती है और इन्हें ही हम आपदा कहते हैं समस्याएं कहते अपने डेली लाइफ में तो बहुत सारी समस्याएं आती वो आपदा में नहीं काउंट होता है जो पूरे समाज को ले डूबता है ऐसे भी भयंकर धोखादायक जो घटनाएं घटित होती है उन्हें हम आपदा कहते हैं तो आपदा का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा परिभाषाएं लिखो में कैसे परिभाषाएं लिखनी है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब लिए है तो ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन परिभाषा लिखो में आ सकते हैं तो इसके अलावा अन्य भी जैसे प्रथम उपचार है और कुछ जो ये होते हैं जैसे रोगोपचार है इंटरफेरॉन है उनकी परिभाषाएं लिखो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं तो छोटी-छोटी जो बातें हैं ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनमें आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें कोई भी आपके मार्क्स काट नहीं सकता अगर आपने सही लिखा है तो तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है अभी भी बहुत समय है आप लोगों के पास अभी सिलेबस खत्म हो गया है तो उस हिसाब से आपको अगर हर एक पार्ट से आप दो-दो तीन-तीन भी परिभाषाएं निकालोगे तो भी आपका पार्ट पूरा कवर हो सकता है तो ऐसे पद्धत से ही ऐसे प्रकार से ही आपको परिभाषाएं लिखनी है और इस क्वेश्चन को हल करना है ये भी आपको एक मार्क्स के लिए आता है मतलब एक ही कोई भी परिभाषाएं पूछी जा सकती है आपको पूरे साइंस तो के जितने भी चैप्टर से उसमें से कोई भी एक परिभाषा आपको पूछी जा सकती है क्योंकि एक एक ही गुण के लिए यहाँ पे ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे हर एक पार्ट से एक एक दो दो परिभाषाएं ली है उसके बाद है असंगत शब्द पहचानो अभी असंगत शब्द पहचानो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको चार ऐसे शब्द दिए जाएंगे जिसमें से तीन शब्द जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तीन शब्द जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे मतलब आ, उसका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ स्नेह संबंध होगा जैसे कि अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि आ, डस्टर, चौक, बेंच और अस्पताल। अगर ऐसे दिया जाए तो आप उसमें से अस्पताल को ही चुनोगे क्योंकि ये सब तीनों चीजें तो आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड है आपके स्कूल से रिलेटेड है इसीलिए मतलब जो उसमें से असंगत है वही हमने निकाला है और उसी शब्द को हम असंगत शब्द कहते हैं और उसका रीजन भी अगर आपको पूछा जाए तो ही लिखना है कि असंगत शब्द पहचानो और उसका कारण लिखो तो ही आपको उसका कारण लिखना है अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि असंगत शब्द पहचानो तो सिर्फ वही शब्द आपको नीचे की लाइन पे लिखना होता है समझ में आ रहा है सभी को तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे लिया है मैंने हरित क्रांति श्वेत क्रांति औद्योगिक क्रांति और नील क्रांति अभी मैंने यहाँ पे जो उत्तर है उसको भी रेड हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको समझ में आए कि इसमें का अलग असंगत शब्द मैंने आ, कौन सा लिया है और उत्तर कौन सा है और वही क्यों लिया है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ तो हरित क्रांति श्वेत क्रांति औद्योगिक क्रांति और नील क्रांति ऐसे चार सभी क्रांतिया ही है पर इसमें अलग अलग है अभी हरित क्रांति किस वजह से हुई थी ये सबको पता है श्वेत क्रांति औद्योगिक क्रांति और नील क्रांति अभी इसमें इसका उत्तर है औद्योगिक क्रांति तो औद्योगिक क्रांति क्यों लिया है क्योंकि हरित क्रांति श्वेत क्रांति और नील क्रांति ये तीनों खाद्यान्न या भोजन से संबंधित है क्योंकि वनस्पति दूध ये तीनों जो ये है हरित क्रांति श्वेत क्रांति और नील क्रांति ये अपने भोजन या खाद्यान्न से संबंधित है पर औद्योगिक क्रांति से खाद्यान्न नहीं तो एक कारखानों या बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज उससे रिलेटेड है इसीलिए औद्योगिक क्रांति ये अलग शब्द है और उसी वही शब्द शब्द हम असंगत शब्द में लिखने वाले है समझ में आया होगा सभी को उसके बाद मधु है मधुमेह एनिमिया ल्यूकेमिया थैलेसेमिया अभी इसमें चारों विकारी है एनीमिया ल्यूकेमिया थैलेसेमिया मधुमेह पर इसका इसमें का उत्तर है मधुमेह क्यों क्योंकि एनीमिया ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया ये विकार कब होते हैं जब अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और मधुमेह में हमें मधुमेह ये जो विकार है उसमें क्या शुगर लेवल जो भी है डायबिटीज जिसे हम कहते हैं तो इंसुलिन की कमी से अपने को मधुमेह होता है और बाकी में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले ये विकार है इसीलिए एनीमिया ल्यूक्यूमिया ही कैटेगरी के है और उसमें डिफरेंट क्या है फिर मधुमेह मतलब असंगत क्या है तो मधुमेह है उसके बाद सोडियम एल्यूमिनियम पोटेशियम फॉस्फरस इसका उत्तर है एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम पोटेशियम और फॉस्फरस और उसका उत्तर दिया है अः एल्यूमिनियम उसके बाद है सिरका सिरका मतलब हम जिसे विनेगर कहते हैं सिरका सोया सॉस केचप और मोनोसोडियम ग्लूटामेट सिरका सोया सॉस केचप और मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसमें का उत्तर आपको दिया गया है केचप केचप ये अलग शब्द है असंगत शब्द है, सिरका, मोनोसोडियम ये सब एक ही तरीके के हैं और केचप थोड़ा सा उसमें से असंगत शब्द है उसके बाद है एक्टिनोमाइसेटिस, नोकोर्डिया ईस्ट और स्टेप्टोमाइसिस एक्टिनोमाइसेटिस, नोकोर्डिया, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिस इसमें से ईस्ट चुना गया है ईस्ट यह है असंगत शब्द है उसमें का उसके बाद है तिलचिट्टा मधुमक्खी तिलचिट्टा मकड़ी मधुमक्खी तिलचिट्टा तितली मकड़ी और मधुमक्खी तो इसमें से मकड़ी ये जो है ये असंगत शब्द है तिलचिट्टा तितली, मकड़ी और मधुमक्खी में से मकड़ी ये अलग या असंगत जिसे हम कहते हैं वो शब्द है क्योंकि प्राणियों के वर्गीकरण में ये अलग आ, स्तर से आता है और जो तिलचिट्टा तितली और मधुमक्खी है ये एक वर्ग के प्राणी है इसीलिए इनको अलग किया गया है और वो अ मकड़ी जो है उसको अलग दिखाया गया है मतलब असंगत शब्द में उसको गिना जाता है क्योंकि मकड़ी जो है वो अष्टपाद संधिपाद प्राणी है मकड़ी जो है वो अष्टपाद संधिपाद प्राणियों में से है और बाकी सब जो है वो संधिपाद कीटक है संधिपाद कीटक है तिलचट्टा तितली मधुमक्खी संधिपाद कीटक है और मकड़ी जो है वो संधिपाद प्राणी अः अष्टपाद संधिपाद प्राणी में आता है इसीलिए मकड़ी को अलग लिखा गया है या असंगत शब्द में उसका वर्णन किया गया है उसके बाद है मेंढक कछुआ तोड़ तोड़ टोड़ त हो गया है उसका उसको ट है टोड़ ऐसे उसको बोलते हैं अः मेंढक कछुआ टोड़ और सेलेमेंडर तो उसमें कछुआ कछुआ जो है वो सरिसुप वर्ग में आता है सरीसृप मतलब जैसे सांप वगैरह जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग में कछुआ आता है और अन्य सभी जो है वो उभयचर प्राणी है उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं जैसे मेंढक टोड़ और सेलेमेंडर तो कछुआ जो है वो सरीसृप वर्ग में आता है इसीलिए मेंढक कछुआ टोड़ या सेलेमेंडर में से कछुआ को असंगत शब्द में गिना जाता है क्योंकि मेंढक टोड़ और सेलेमेंडर ये जो है ये क्या है आ, सरी सॉरी उभयचर है और कछुआ जो है वो सरिसूप में आता है इसीलिए उसको अलग काउंट किया गया या असंगत शब्द में उसका अः प्रयोग किया गया है क्योंकि असंगत शब्द पहचानो मतलब क्या होता है जो सबसे अलग है तीनों चीजों से अलग है उससे असंगत शब्द में गिना जाता है तो अलग क्यों क्योंकि उसकी कुछ खासियत होती है तभी वो अलग इसमें गिना जाता है जैसे कि हरित क्रांति श्वेत क्रांति औद्योगिक क्रांति और नील क्रांति तो हरित क्रांति श्वेत क्रांति और नील क्रांति जो भी है ये सब किस में गिने जाते हैं खाद्यान्न से संबंधित जो भी प्रयोग किए गए हैं Uh, जो भी उसमें बदलाव किए गए हैं उससे रिलेटेड ये तीनों क्रांति है और औद्योगिक क्रांति उससे अलग है इसीलिए उसको असंगत शब्द में लिया गया है उसके बाद मधुमेह का मैंने बताया कि बाकी के सब हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से रक्त की कमी की वजह से होने वाले हैं और मधुमेह ये इंसुलिन की कमी से होने वाला है उसके बाद है सिरका सोया सॉस केचप और मोनोसोडियम ग्लुटामेट में से केचप क्यों चुना गया क्योंकि अन्य सभी पदार्थ जो भी है वो सूक्ष्म जैविक किरणवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं सूक्ष्म द्रव्य का जो किण्वन किया जाता है उससे प्राप्त किए जाते हैं इसीलिए केचप यह अलग है और फिर ईस्ट एक्टिनोमाइसिटिस नोकॉर्डिया ईस्ट और स्टेप्टोमाइसिस इसमें से अगर देखा जाए तो ईस्ट यह असंगत शब्द है क्योंकि अन्य सभी जो है वो कव को, को में कचरे के रबर का विघटन करने की क्षमता रखते हैं पर ईस्ट हम जनरली खाद्यान्न में भी यूज करते हैं जैसे कि हम सोडा सब में डालते सॉरी ईस्ट का उपयोग हम पिज्जा बर्गर ये सब चीजों में भी आ, करते हैं तो इससे की वजह से ईस्ट जो है वो अलग या जिसे हम असंगत शब्द में कह सकते हैं और उसको असंगत शब्द में गिना जाता है क्योंकि अन्य सभी जो है वो कवक के कचरे में से मतलब ये करने वाले शब्द है विघटन करने की क्षमता रखने वाले शब्द है इसीलिए उनको एक वर्ग में वो काउंट किए जाते हैं पर ईस्ट जो है वो अलग इसमें काउंट होता है तो सभी को असंगत शब्द कैसे पहचानना है किसमें आता है वो समझ में आया ही होगा उसके बाद का जो प्रश्न है जिसे सही या गलत है सबको पता है कि गलत सही कैसे लिखा जाता है अगर वो जो दिया गया वाक्य अगर आपके पाठ में या उसका वर्णन जो है वो अगर सही किया गया है तो उसका उत्तर सही आएगा गलत किया गया है तो उसका उत्तर गलत आएगा ऐसे भी प्रकार मतलब सही या गलत पहचानना जो भी है वो उसे रिलेटेड होता है और सही गलत मतलब ट्रू फॉल्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में तो संधिपाद प्राणियों के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं ये जो वाक्य है ये क्या है ये गलत है तो मैंने उसके आगे उसका उत्तर भी लिखा है ताकि आपको पता चले कि इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको और उसके आगे ही उसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो तो संधिपाद प्राणियों के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं तो इसके लिए आपको संधिपाद वर्ग जो है उसके बारे में माही होनी चाहिए तभी आप लिख सकते हो कि हाँ ये गलत है क्योंकि संधिपाद प्राणियों में छिद्र नहीं असंख्य छिद्र नहीं होते हैं इसीलिए उसको गलत कहा गया है उसके बाद है पहले इंसुलिन घोड़े के शरीर से प्राप्त किया जाता था मतलब मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है और इंसुलिन की मात्रा को पहले घोड़े की शरीर से प्राप्त किया जाता था और ये सही है मतलब वो साइंटिफिकली प्रूव है कि हाँ सच में इसको घोड़े के शरीर से ही प्राप्त किया जाता था इसीलिए उसका उत्तर हम लिखेंगे सही उसके बाद एक गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी में कोशिका के जनुक में ही बदलाव किया जाता है तो ये गलत है कि पूरे उसके आ, पूरे जनुकीय इसमें बदल किया जाता है ना कि सिर्फ कोशिका के जनुक में बदल होता है उसके पूरे शरीर में बदल किया जाता है इसीलिए ये गलत है सिर्फ जनुक में नहीं उसका बदल किया जाता है क्योंकि ये जो संधिपात प्राणियों के शरीर में तो रंध्रीपात जो प्राणी होते छिद्रधारी रंध्रिय जो प्राणी होते उनमें असंख्य छिद्र होते है संधिपात प्राणियों में असंख्य छिद्र नहीं होते है इसका इसीलिए उसका उत्तर हम गलत लिखे है और जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत है पहचानिए लिखी है तभी आपको फिर पूरा वाक्य जो प्रश्न दिया है वो पढ़ना है अच्छे से और वो सही है या गलत है इतना ही उसमें लिखना होता है गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी में कोशिका के जनुक में ही बदलाव किया जाता है तो गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी जो कोशिकाएं होती है पूरी तरीके से बदलाव किया जाता है ना कि सिर्फ जनुक में बदलाव होता है पूरी कोशिका में बदलाव किया जाता है इसीलिए ये गलत है तो ये सही है और गलत का क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा उसके बाद है नाम लिखिए नाम लिखिए मतलब आपको एक या दो ही नाम पे लिखने होते हैं दस बारह नाम नहीं लिखने हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हैं कि इसमें से आप एक दो शब्द कोई भी लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे जैसे भू वैज्ञानिक व भूगर्भीय आपदा किसे कहते हैं भूगर्भी आपदा कौन सी होती है भूवैज्ञानिक आपदा कौन सी होती है तो भूकंप है ज्वालामुखी है सुनामी है भूप्रपात है भूमि है भू प्रक्षोभ है प्रस्तर भंग विदारण है धूप है क्षारीकरण जल प्रलय ये सब भूगर्भी आपदाएं है तो इसमें से आप कोई भी एक या दो उसमें लिख सकते हो तो आपको एक मार्क्स के लिए वो पूछा जाता है तो इतनी सारी आपदाएं आप उसमें नहीं लिखनी है पर आपके ध्यान में रखने के लिए आप इसमें से कम से कम पांच याद रखोगे तो उसमें से दो तो भी आपको बराबर से पेपर के समय पे याद रहेगी इसीलिए सभी शब्दों का अच्छे से ये करना है कि भूवैज्ञानिक या भूगर्भी आपदाओं आप में कौन से प्रकार की आपदाएं आप आ सकती है वैसे मानव निर्मित आपदाओं में क्या आ सकता है वो भी एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है उसके बाद दुर्धर रोग दुर्धर रोग मतलब बहुत समय तक चलने वाले रोग या जिससे क्रोनिक डिसीज जिसे हम कहते हैं जो कि कभी कभी तो अपने मरते दम तक अपने साथ ही रहते हैं ऐसे रोगों को दुर्धर रोग कहा जाता है जो कंटिन्यू अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए अपने साथ जुड़ जाते हैं ऐसे रोगों को हम दुर्दर रोग कहते हैं जिसमें एड्स टीबी कुष्ठ रोग जैसे जो भी आजार है रोग है वो उसमें काउंट होते हैं समझ में आए सभी को एड्स टीबी कुष्ठ रोग जैसे जो भी आजार है रोग है वो उसमें काउंट होते है तो उसी को हम दुर्दर रोग या क्रोनिक डिसीज जिसे हम कहते हैं तो दुर्दर रोग अगर पूछा जाए नाम लिखिए तो आप उसके सामने या उसके नीचे की लाइन पे आप लिख सकते हो एड्स टीबी या कुष्ठ रोग एड्स टीबी या कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं उसके बाद है जैविक खाद राइजोबियम एजिटोबैक्टर जैविक खाद में जैविक खाद अगर आपको पॉइंट दिया गया है तो उसे राइजोबियम एजोटोबैक्टर नोस्टॉक एनाबिना इन जीवाणुओं का तथा एजोला ऐसे सब जैविक खादों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो जैविक खाद कौन से कौन से है ये आपको पता होने चाहिए तो दो चार नाम ध्यान में रखो तो ताकि वहाँ पे आप एक या दो नाम वहाँ पे लिख सकते हो तो राइजोबियम एजिटोबैक्टर नोस्टॉक एनाबीना और अजोला जैसे जीवाणुओं का जीव जैविक खाद में उपयोग किया जाता है उसके बाद है जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसल मतलब जैव प्रौद्योगिकी तो जैव प्रौद्योगिकी से जो भी हमें मिलते है जो अपने लाभ के लिए हम उसमें प्रोग्रेस करके एक नया कुछ नया बनाते हैं उसी के जनु की दृष्टि से उन्नत फसल मतलब जिस फसल को लगाने के बाद उससे जो मिलने वाला उत्पादन है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है इसीलिए जनुकीय की दृष्टि से उन्नत फसल अगर आपको पूछा जाए तो उसमें बिटी कपास बिटी बैंगन गोल्डन राइस जैसी वनस्पतिया या जैसे वान या बीज जो होते हैं वो उसमें आते हैं उसके बाद है प्रतिजैविक प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं तो पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनेसिलीनोक्ट्रोसिन इसमें से कोई भी आप एक या दो नाम लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे जरूरी नहीं कि एक ने पेनिसिलिन लिखा है तो दूसरे ने भी ही लिखना चाहिए वो नियोमाइसिन भी लिख सकता है स्टेप्टोमाइसिन भी लिख सकता है तो इसी को हम प्रतिजय तो ये सब एक एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है मतलब इसमें से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है जिससे आपको एक मार्क्स आराम से अच्छे से मिलेगा क्योंकि तो इसमें सिर्फ नाम लिखना होता है आपको पूरे दो चार लाइन वाला सेंटेंस नहीं लिखना होता है सिर्फ नाम लिखना होता है और जनु की दृष्टि से उन्नत फसल प्रति जैविक दुर्धर रोग जैविक खाद ऐसे बहुत सारे उसमें पॉइंट्स जो है वो एक एक करके पूछ सकते हैं उसके बाद वाला पॉइंट है सह संबंध पहचानिए सह संबंध मतलब एक दूसरे से रिलेशन जैसे इंसुलिन का मधुमेह से रिलेशन है वैसे ही इंटरक्यूलिन का रिलेशन किससे होता है कैंसर मतलब रोग का नाम लिखना है आपको मधुमेह से ही ध्यान में आ गया होगा कि इससे होने वाला ये रोग है तो इससे होने वाला कौन सा है कैंसर ऐसे आपको लिखना है घोड़ा घोड़ा क्या है स्तनधारी प्राणी है तो समुद्री घोड़ा क्या है मत्स्य प्राणी है ऐसे आपको प्रकार लिखने उसके बाद है पाव रोटी पाव रोटी पेकर सीस्ट से बनता है तो सोया सॉस में क्या होता है एस्पेजुलस ओराइजी होता है मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या किस चीज से वो बना होता है या किस चीज से रिलेटेड होता है यही रिलेशन इसमें दिखाया जाता है इसलिए पहचानिए में ये चीज आती है उसके बाद है तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान किसने चलाया था टाटा ट्रस्ट ने और झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा जो की बी में सलाम बॉम्बे का बहुत बड़ा योगदान है सलाम मुंबई फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं तो झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है तो सलाम मुंबई फाउंडेशन जैसे तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान के लिए टाटा ट्रस्ट है वैसे इसके लिए कौन सी है तो तुरंत अपना उत्तर आना चाहिए कि सलाम मुंबई फाउंडेशन उसके बाद है विशेली गैस का रिसाव ये दुर्घटनाग्रस्त आपदा में आता है आपदाओं के प्रकार बहुत है उसमें से विषले गैस का रिसाव जो प्रकार है वो दुर्घटना दुर्घटना होती क्योंकि आ, आ, है क्योंकि कारखाने हैं उनमें अगर विषले गैस का रिसाव हो जाता है तो दुर्घटना वहां पे बहुत बड़े तौर पे होती है और युद्ध युद्ध क्या है युद्ध नैसर्गिक क्रिया नहीं होता है युद्ध हेतु पुरस्कार आपदाओं में आता है क्योंकि दो राज्य या दो देश या दो जैसे पहले राजा महाराजा युद्ध खेला करते थे कि वो हम अपनी मर्जी से कर रहे। कर आपदाओं में वो जाता है। तो का रिजर्व दुर्घटनाग्रस्त आपदा में आता है और युद्ध जो है वो हेतु पुरस्कार आपदा में आता है और जो और एक प्रकार जो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है आकृति आपको एक प्रकार की आकृति दी जाएगी मैंने आपको यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिया है ऐसी बहुत सारी आपदाएं दसवा पाठ जो है और नवा पाठ जो है उसमें से ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आकृति से कृति पहचानी अभी आपको यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रही है उसमें एक लेडीज मस्त रोड पे गाड़ी के बाजू में खड़े होके सेल्फी ले रही है क्या ले रही है सेल्फी ले रही है पर आप सभी को पता है कि ट्रैफिक वाला जो रास्ता है मेन रास्ते पे सेल्फी लेना हम लोग बीच पे जाके सेल्फी लेते हैं और उधर ही पीछे गिर जाते हैं बच्चे ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं घटती है और सेल्फी लेने के चक्कर में बाजू की गाड़ी आके उसको टकरा के निकल जाती है उसका एक्सीडेंट करके मतलब एक्सीडेंट हो सकता है अपनी जान जा सकती है तो ऐसे खतरनाक जो कोई भी गलत काम है वो हमें नहीं करने तो आपको एक चित्र दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दिए गए चित्र में गलत कृति लिखी है तो गलत कृति क्या कर रहे है वहां पे कि रास्ते पर सेल्फी खींचना रास्ते पर सेल्फी खींचना गलत है ये वहाँ की गलत कृति है जैसे एक हाथ बच्चा मोबाइल लेके मोबाइल देख रहा है और खाना खा रहा है तो उसमें भी मोबाइल देखते हुए खाना खाना ये गलत है तो ऐसी चीजें इसमें आपको पूछी जा सकती है ऐसे अलग अलग प्रकार की आकृतियां मतलब पिक्चर्स जो है वो आपको दिए जाएंगे उसमें आपको क्या नजर आ रहा है वो वहां पे लिखना होता है सिर्फ जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लेडीज रास्ते पर सेल्फी खींच रही तो सेल्फी रास्ते पर सेल्फी खींचना गलत है इतना ही आपको लिखना होता है उसमें जैसे कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान कर रहा है तो धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है ये उसमें की गलत चीज है वैसे आपको उसमें कुछ मतलब लिखना है सिर्फ तो ऐसे एक एक मा, एक एक गुण के लिए जो भी प्रश्न आते हैं वो क्वेश्चन नंबर वन के बी पार्ट में पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपको उस प्रश्न की तैयारी करनी है सभी को ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच इतनी शांति से आप लोगों ने ये uh, क्वेश्चन का अवलोकन किया समझ के लिया uh, धन्यवाद uh, किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछ सकते हो पांच सात मिनट है अपने पास हेलो सर तो आवाज आ रही मेरी पूछना है तो प्रश्न पूछ लो बेटा हाथ उठाओ ओके मैडम लेक्चर फिनिश करते हैं ओके सर थैंक यू वेरी मच बच्चों